बीच में तुमने फिल्म दिखा के थी और 10 स्टेट के हैं ऑनलाइन। पिछड़ा जो पिछड़ो साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुई है। इसके साथ ही हम स्वागत करते हैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी का, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति में आज का यह आयोजन किया जा रहा है। दुखी करना चाहे सिर्फ इस बात पर उसके नाम से लड़ने को उसने हरा दिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो आप कार्य करते हैं उसका श्रेय आपको ही जाना चाहिए और आप ही उसके हकदार हैं। ये लोग वहां पे आकर के फिर यहां जनता को बगड़ाते हैं कि हमने तो ये प्रोजेक्ट बढ़वा दिया। 263 करोड़ का जो प्रोजेक्ट रेडीवेल है ये आपकी देन है और हमने आपसे कोशिश करी कि प्रयास करें तो आपने हमें देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप रोजपुर जिला में आए हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आपसे यही उम्मीद करता हूं कि जैसा प्यार आपने आज हमारे लिए दिखाया है हमेशा आपका प्यार बना रहेगा। और मेवात की जनता, इसी की जनता है, आपसे बहुत प्यार करती है, आपके लिए आपके ऊपर जान निछावर करने को तैयार है। एक बार मैं हाथ उठा करके सब समर्थन आपके साथ प्यार बना रहेगा और आपके साथ समर्थन करता हूं। और मेरे जो जनता विरोध जन स्वास्थ्य सरकार श्री मनोहर लाल जी को अपने कर कमलों से स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सब लोगों का अभिनंदन। बहुत दिनों के बाद यहाँ जिले में मेरा आना हुआ, मुख्य रूप से एक कार्यक्रम जो फिरोजपुर झिरका में था और उसमें एक सामूहिक शिलान्यास उद्घाटन 347 प्रोजेक्ट फुल थे हरियाणा के, जिनका शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। फुल उसकी जो कॉस्ट 2741 करोड़ रुपया यहाँ से किया गया। बड़ा कार्यक्रम था, देशव्यापी था और बाद में फिर मेवात के नाते से जो प्रोजेक्ट्स यहाँ उद्घाटन शिलान्यास करने थे वो भी किए, जनता को संबोधित किया। मुझे खुशी है कि जनता में उत्साह बहुत था। पहली बार मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना लगाव उनका बढ़ रहा है। अब वो इससे भी सिद्ध होता है कि पिछले स्थानीय चुनाव में नगर परिषदों में हमारे बहुत लोग आए, पंचायत समिति पार्षद बहुत आए, जिला परिषद को कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के ऊपर ही हम लोगों ने उस पर अपना एक प्रकार से वर्चस्व बताया जताया है। हमारी यहाँ जिला परिषद की इकाई बन गई है। अब धीरे धीरे आगे विधानसभा में भी हमें यहाँ सफलता मिले, इस नाते से लोगों का मूड दिख रहा है। साथ ही क्योंकि नू जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ बहुत से पैरामीटर्स को लेकर के साल में एक मीटिंग में स्वयं करने आता हूँ। आज उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लेकर के मीटिंग थी, चाहे उसमें फिर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य की दृष्टि भी सारे काम, एग्रीकल्चर के नाते से, फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाते से, ये सब विषयों के ऊपर चर्चा हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के यहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हैं, खास करके ये जो दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे, इसका लाभ मिला है यहाँ, बहुत लोगों में प्रसन्नता है। इसके कारण से यहाँ उद्योग भी आएंगे, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा
इन सब चीज़ों को लेकर और आज एक मीटिंग हुई है। मैं समझता हूँ काफ़ी पैरामीटर हमारे अच्छे हुए हैं, जो छोटी मोटी कमियाँ उनको दूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मांगे नहीं है, ये प्रोजेक्ट है और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के लोगों में इन सब बातों को लेकर खुशी है। जंगल सफारी की जहाँ तक बात है, इसमें जमीन जो है प्राय वो सब क्लियर हो गई है, NOC सबकी हो गए हैं। मैं अभी प्रधानमंत्री जी को मिलकर आया हूँ, उनसे मैंने समय मांगा है कि इस जंगल सफारी का शिलान्यास आगे आने वाले समय में कभी भी जब वो टाइम देंगे तो उसका कराएंगे। बहुत बड़ा ये काम है, 10,000 एकड़ के अंदर और एक मैं समझता हूँ पूरे विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी ये बनेगी। अभी तक 8,000 एकड़ की एक जंगल सफारी तो है दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन 10,000 एकड़ की कहीं नहीं है। तो इस प्रकार इस जंगल सफारी में देश और दुनिया के जितने भी ऐसे जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, सबके अलग अलग प्रकार से उनके व्यवस्था की जाएगी ताकि वो आए और लोग टूरिस्ट भी यहाँ देखने के लिए आए। तो एक ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये बनेगा। सीएम साहब, विकास की अनदेखी लगाते हुए नूह शहर के 6,500 एकड़ सामने इस्तीफा दिया है चुनाव के एक साल। मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ लोगों को और मैं सिफारिश करता हूँ कि उन 6 के 6 पार्षदों का इस्तीफा तुरंत स्वीकार किया जाए। सीएम साहब।